हेलो गाइस, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज मैं आपके लिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर आया हूं जो कि न्यू लॉन्च है। और ये कमर्शियल द्वारका एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है और इसका जो फ्रंट है वो 1 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि फुटफॉल और कैचमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। क्या आपको पता लग गया कि ये वाला कमर्शियल कौन सा है? अगर पता लग गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता चला तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, जिससे आपको पता लगे कि आपको इस कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या प्राइजिंग वगैरह है, साइट कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना या फिर आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी और आप गुड़गांव के रियल स्टेट मार्केट से अपडेट रहेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमारा जो आज का कमर्शियल है वो एम्थ्रेम ग्रुप की तरफ से है और इस कमर्शियल का नाम है एम्थ्रेम कैपिटल वॉक 113, जो कि सेक्टर 113 बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव में लोकेटेड है। इस कमर्शियल की बहुत सारी खास बातें हैं जिसकी वजह से मैं आज इसको कवर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इसके ऊपर जो है वीडियो बना रहा हूँ। एम्थ्रेम कैपिटल वॉक 113 का जो फ्रंट है वो 1 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि बहुत बड़ा होता है, बहुत ही वाइड फ्रंट है, जो कि अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ी बात है एक कमर्शियल के लिए। और जिस भी कमर्शियल का फ्रंट जितना भी वाइड होता है, मतलब कमर्शियल का फ्रंट जितना वाइड होगा उतना ही फुटफॉल जो है वहाँ पे ज़्यादा आएगा और उसकी जो कैचमेंट है उतनी ही अच्छी होगी। जब आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो ये आपको फर्स्ट कमर्शियल मिल जाता है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे का लार्जेस्ट रिटेल एड्रेस बनने वाला है और आपको IICC एंड IJ एयरपोर्ट से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। और यही नहीं, ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस वे मेट्रो एंड दिल्ली मेट्रो के जस्ट एडजेसेंट है। अगर हम सराउंडिंग में रेजिडेंशियल सेगमेंट की बात करें कि सराउंडिंग के अंदर रेजिडेंशियल कैसे क्या बसाउट है, तो यहाँ पर आपको 25+ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो मिल जाते हैं और इसमें से 15+ प्रोजेक्ट जो है प्रीमियम है। और यहाँ एस्टिमेटेड अगर हम फुटफॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर अप्रोक्स आपको 1.2 लैक्स के समथिंग जो है फुटफॉल देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको 3 साइड एक्सेस मिलता है फॉर ऑप्टिमम विजिबिलिटी। और जो रिटेल का फॉर्मेट बनाया गया है वो बहुत ही यूनिक बनाया गया है, क्योंकि इसमें आपको डबल हाइट शोरूम मिल जाते हैं और इसमें आपको 3 लेवल शॉपिंग सेंटर भी मिल जाएंगे और ओपन जो टेरेस है वो भी मिलेगा फॉर F&B। अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो इसमें जो स्टार्ट होता है वो 250 स्क्वायर फीट के समथिंग जो है स्टार्ट हो जाता है और इसके ऊपर जितना भी आप लेना चाहो, आप जितना भी जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप जो है साइज ले सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें, वैसे तो देखो प्राइस फिक्स नहीं होता है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन मैं अगर आपको एक आइडिया दूं या फिर करंट प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर जो है वो 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, लोअर ग्राउंड जो है वो आपको 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, अपर ग्राउंड जो है वो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपको 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और जो सेकेंड फ्लोर है वो 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और जो टॉप फ्लोर है वो आपको 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाता है। ये वाली जो प्राइजिंग है वो फिलहाल चल रही है, ये एक टेंटेटिव आइडिया है। इसके अलावा आपको अगर इसके करंट ऑफर्स और प्राइस के बारे में जानना है तो आप हमारे नंबर 9911031102 पर कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। और अगर आपको साइट विजिट भी करनी है तो आप सेम नंबर पे जो है हमसे कनेक्ट करके साइट विजिट भी आप कर सकते हो। तो आपको पता लग गया होगा कि इसकी सराउंडिंग कैसी है और इस कमर्शियल का जो कैचमेंट है वो कैसे रहने वाला है, सराउंडिंग की विंसिटी जो है वो कैसी है। अब मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ और सराउंडिंग की डेवलपमेंट भी दिखा देता हूँ। तो चलिए गूगल मैप पर चलते हैं और सैटेलाइट व्यू के ऊपर देखते हैं, समझते हैं कि सराउंडिंग के अंदर जो है अभी फिलहाल क्या डेवलपमेंट हो चुकी है और फ्यूचर के अंदर जो है क्या होने वाली है। तो गाइज, अब हम गूगल मैप के सैटेलाइट व्यू के ऊपर आ चुके हैं और ये जो आपको येलो लाइन जो दिख रही है ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे है। और जो हमारी साइट है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप पेज देख रहे हैं, ये हमारी साइट है। आपको मैं इसका साइट प्लान भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी वाली जो साइट है वो क्या है। ठीक है, तो ये वाली जो है ये हमारी साइट है एम्थ्रेम कैपिटल वॉक के नाम से, जिस हिसाब से जान रही है। 1 किलोमीटर लंबा इसका फ्रंट है और जस्ट बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये 2023 के अंदर जो है वर्किंग में आ जाएगा। तो जैसे ये वर्किंग में आएगा तो इनकी जो है अच्छी खासी वो होने वाली है। अब ये स्पेशल क्यों है वो बताता हूँ। पहला तो यहाँ पे एम्थ्रेम कैपिटल 113 है,
यहाँ पे और यहाँ पे फ्यूचर उसकी डेवलपमेंट होनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्मार्ट वर्ल्ड 113, ठीक है। फिर इसी के जस्ट फ्रंट के अंदर जो है आपकी स्मार्ट सिटी आ रही है, कम्प्लीटली स्मार्ट सिटी आ रही है M3M ग्रुप की ही, वो आपकी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और ये जो कमर्शियल है वो ये वाला जो कमर्शियल है ये आपका बॉर्डर है दिल्ली वाला। तो आप ये देखेंगे कि आप जैसे ही दिल्ली से एंट्री करते हो तो आपको पहला जो कमर्शियल मिलता है वो ये वाला ही कमर्शियल आपको मिलता है जो कि 1 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसको इजीली जो है जो एयरपोर्ट है उसका एक्सेस मिल जाता है। सेकंड, द्वारका सेक्टर 21 की जो मेट्रो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन वाली जो मेट्रो है उसका सपोर्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे। और इसी के पैरलर आप देखेंगे एक और जो रोड है NH8 जिसको हम बोलते हैं, वो भी जा रही है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, ये वाली जो है। तो आपको जो है NH8 के भी सराउंडिंग जो है मिल जाती है। अब हम सराउंडिंग की बात करते हैं, तो आपने देखा ये चार प्रोजेक्ट तो आपको सराउंडिंग में मिलते ही हैं, लग्जरी हैं, अल्ट्रा लग्जरी हैं, लग्जरी भी क्या है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पूरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स मिल जाता है यहाँ पे। फिर आप यहाँ इधर आते हो तो आपको टाटा हाउसिंग मिल जाता है, यहाँ प्रेरणा ओम अपार्टमेंट्स हैं, आपको यहाँ पे एक्सपीरियन का विंचांट मिल जाता है, यहाँ पे चिंतल का पैराडिसो है। आप देखें लगभग जितने भी अपनी है यहाँ पे स्कूल्स वगैरह हैं, देखो ये रही हो आपका भारत हाई स्कूल है, यूरोका किड स्कूल है। फिर इसके अलावा आपको इसके अंदर आप ये देखोगे ना कि विन सिटी, मतलब कि विन सिटी के अंदर आपको जो है ऑलमोस्ट जितने भी आपको प्रोजेक्ट देखने के मिलेंगे वो आपको लग्जरी प्रोजेक्ट जो है ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एक्सपीरियन का हार्ट सॉन्ग है यहीं पे, ये शोभा सिटी हमारी, यहाँ पे शोभा की इंटरनेशनल सिटी और शोभा सिटी 108 जो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वो ये यहाँ पे हुआ था, जो सेक्टर 108 है ना, इसमें टावर्स लॉन्च हुए थे यहाँ पे शोभा इंटरनेशनल सिटी के साथ में, जो हाई राइज टावर है जिसको शोभा सिटी 108 बोला जाता है वो हुए थे यहाँ पे लॉन्च। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे से आप जैसे ही चलते हो तो अगर आप इतनी दूर भी नहीं जाते हो ना तो आपको जस्ट यहाँ यहाँ में तीन चार प्रोजेक्ट जो है लग्जरी को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 1.2+ लैक्स के सराउंडिंग में जो है फुटफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पे जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही IICC बनने वाला है। कुल मिला के बात यह है कि जो हमारे सराउंडिंग है वो सारे लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट के रेजिडेंशियल जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग में। 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले बंदे रहेंगे आपके सराउंडिंग में। तो इसका मैं मेरा मेरे को सबसे अच्छी चीज़ इसकी लगी कि इसका जो फ्रंट है वो काफ़ी वाइड है। अब मैं आपको जो है इसका साइट प्लान भी दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ पाए। तो ये वाला है साइट प्लान, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये वाला जो फेज है ये आप देख रहे हो, ये 1 किलोमीटर लॉन्ग है, ये आप देखो अच्छे से, ये वाला जो है यहाँ पे ये कमर्शियल बनने वाला है, ये 1 किलोमीटर लॉन्ग है और ये इसके पीछे जस्ट रेजिडेंशियल है, ये रेजिडेंशियल है। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट और है, M3M कैपिटल की ही है ये, यहाँ पे M3M ग्रुप का ऑफिस है और SCO प्लॉटिंग्स है। और ये वाला जो है ये कमर्शियल है, ये फ्यूचर डेवलपमेंट रहेगी रेजिडेंशियल की। और ये अभी जो टावर्स हैं वो इन्होंने लॉन्च करे थे, और ये जो रेजिडेंशियल के टावर्स हैं यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी इन्होंने लॉन्च किए थे। और ये वाली जो है ये दूसरी वाली रोड के ऊपर ओपन होता है, तो इसीलिए ये रिटेल जो है ये खास है इधर वाला, क्योंकि 1 किलोमीटर कम नहीं होता है इसका फ्रंट। को एलिवेशन वगैरह दिखाऊं तो ये देखिए, ये पीछे आपको M3M ग्रुप का जो कैपिटल वाला जो है उसके टावर्स हैं, और ये सामने आपका कंप्लीट कमर्शियल है। बहुत ही यूनिक जो है रिटेल फॉर्मेट बनाया गया है शॉपर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डबल हाइट शोरूम मिल जाते हैं, डिजाइन देखिए आप, एक बहुत ही यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप अंदर से देखोगे तो ये देखिए आपको फ्यूचरिस्टिक फील होगा, 3 लेवल शॉपिंग मिल जाएगी, ओपन टेरेस पे आपको F&B मिलेगा, ये इस तरीके का कुछ रेस्टोरेंट एंड बार जोन रहने वाला है। गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे टावर्स हैं, यहाँ पे टावर्स हैं, यहाँ पे M3M कैपिटल 113 के टावर्स हैं रेजिडेंशियल के, यहाँ पे टावर्स हैं, यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट होनी है, ये आपके जो है M3M का जो है ये यहाँ पर ऑफिस है, ये SCO मार्केट है इनकी। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी ये आपका जो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो कहाँ है।
सराउंडिंग में क्या क्या पड़ता है, कनेक्टिविटी कहाँ से क्या है। आईजीआई एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट्स ड्राइव पे है, फिर मेट्रो से भी इतना ही है, या आपके मेट्रो है आपको यहाँ से जस्ट जाना है, एंड देन दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन। और गाइज इसके अंदर अगर हम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको सराउंडिंग आई थिंक 70-75 लाख के समथिंग जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है अभी, और ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट स्पेशली ढूंढ रहे हो, आप यहाँ पर ही इन्वेस्ट करो, यहाँ वाली जगह, ये वाली जो जगह है यहाँ पे, यहाँ पर जितना ज़्यादा अगर कमर्शियल में इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसको जो है दिल्ली का भी फायदा मिलेगा, गुड़गांव का भी फायदा मिलेगा, और यहाँ तो कम्प्लीटली जो है एक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, एम्थेरियम ग्रुप ही बनाएगा वो वहाँ पे। तो एम्थेरियम जो कोड 111 है, अभी इसका रेरा नहीं आया है तो मैं कोई मार्केटिंग वगैरह के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे एम्थेरियम ग्रुप की एक स्मार्ट सिटी आने वाली है जिसमें सब कुछ मिलेगा आपको, जिसको सारी चीज़ जो है एम्थेरियम ग्रुप ही हैंडल करने वाला है, लाइक स्कूल्स वगैरह सब कुछ उसमें मिलेगा। तो उसको एक स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है और एम्थेरियम ग्रुप जल्दी ही इसको जो है लॉन्च करेगा, इसका रेरा आ जाएगा, तब उसके बाद जो है इसके ऊपर हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको एम्थ्रेम कैपिटल वॉक 113 के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है, इस प्रोजेक्ट की क्या प्राइस चल रही है, डिटेल्स क्या क्या है, कैचमेंट कैसी है। और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर आप हमें 9911031102 पर कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इस कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी जिसकी वजह से आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भी आप मुझे बताओ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते। तो गाइज अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और इसके अलावा भी गुड़गांव की किसी अदर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ भी जानना है तो भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।